कोरोना के बढ़ते कहर के बीच भी राजनीति जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए पत्र के जरिए अब भाजपा ने राज्य सरकारों पर निशाना साधना शुरू किया है। बता दें कि बीते दिनों से ही कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार को कोरोना के चलते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर आपत्ति जताई थी और साथ ही साथ इसका विरोध भी किया था, जिसे लेकर जेपी नड्डा द्वारा पत्र में ये याद दिलाया गया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से बनाए जा रहे हजारों करोड़ों के भवन को कैसे मंजूरी दी गई है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है और झूठ फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी कोरोना से लड़ाई लड़ने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई कर रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का लगातार विरोध करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर क्षेत्र में विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री महल, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगणों के निवास के रहते हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। बृजमोहन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भ्रम में रहने वाली सरकार बताया और साथ ही साथ लोगों में भी भ्रम फैलाने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा था और अब खुद कांग्रेस के राज्यों वाली सरकार में लॉकडाउन लगाया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से अब जवाब आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार द्वारा इन सब चीजों का निर्माण क्यों किया जा रहा है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।